पालू दो परिवार बन गए, ठीक है, किसान राहुल तो हम लोग किसान के किसानू हैं, किसानू तो रोज किसानू है, खेत में रोशन का है तो किसानू रोज है, ठीक है, ये किसानू से बड़ा सौभाग्य है, सब किसानू से भी बड़ा त्यौहार है आप लोगों के लिए, और हम उस खुशी को एक महीना तक मनाते रहेंगे, अगला एक महीना तक खुशी के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से सारी चीजों से योगदान मिलेगा। लोग सबको देख रहा प्रोग्राम लगा रहे हैं तो सारे के सारे लोग मिले रहे तो मीडिया जो है उसको जरूर दिखाएगा देश भर के लिए पॉजिटिव के मैसेज है जो जाना चाहिए। मैं मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि आप जैसे देश के अंदर एक पहला निर्णय ऐसा हुआ जो हेल्थ की टीम को भी मान सम्मान दिया गया है और समाज में बराबर जीने का विचार दिया गया है, समाज में उचित बराबर को दी गई है, जो आप पहली बार हुआ है, पिछले टाइम में भी बाकी समय से ज्यादा ही बढ़ाई थी दिल्ली सरकार ने पिछले वर्षों को ध्यान में रखती है तो एक एक कदम पीछे घुसेगा। देखो देश के अंदर ऐसा माहौल जिसमें गरीब आदमी प्राण मान प्राण मान कर रहा है और नोटबंदी की मार से मारा गया और जीएसटी में मार डाला और कभी आधार कार्ड को जोड़ने के चक्कर में कई झूठे लोगों ने अपना फन तोड़ दिया और सरकार के कान तक जू नहीं मिल रही है, कोई जू नहीं मिल रही है। 5% तनखा लगाती है आपकी, 5% उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, के रूप में आप लोग भी दिन को आज 1 नवंबर का दिन है और हरियाणा दिवस भी है, हरियाणा का आप समय करेंगे, हरियाणा एनएचएम का राष्ट्रीय एकता दिवस आज से मनाना शुरू, आज हरियाणा को भी आजादी मिली थी, हरियाणा का आज पहला दिन आज के दिन हरियाणा आजाद हुआ था महापंजाब पे से और आज जो आपकी मांग है आप भी आज मतलब उससे छुटकारा मिला, आप लोगों के कष्टों से छुटकारा मिला है, आज के दुख से भी छुटकारा मिला है और ये एनएसएम का राष्ट्रीय एकता दिवस हम हमेशा इसको मना रूप में हमेशा इसको मनाया जाएगा, इसलिए हम हरियाणा वासी इस बात का तो हमें फख्र है लेकिन हम भारतवासी इस बात का हमें उससे भी ज्यादा फख्र है क्योंकि अब आप किसी प्रांत के नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हो तो आप दिल्ली के हो भारत के हो। और मुझे भी ये जो आप ही के साथ काम करते हैं कि पूरे भारत में राजस्थान में हरियाणा में मध्य प्रदेश में
एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, लेकिन वहां की सरकारें कान में पेड़ डाल के सोई, उन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। ये देश की पहली दिल्ली में ऐसी सरकार है जिन्होंने आपकी बात सुनी और उस पर अमल किया और आपकी शैली को बदला दिया। देश की दूसरी सरकारों से भी हम दिल्ली सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि आप भी मेहनतकश इंसानों की मेहनत का वाजिब नहीं पाने दीजिए। ये सेवा करने आए तो इनके परिवार की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि इनके परिवार ठीक से चले, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है अगर ये सेवा कर रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार ने ये तय किया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, सत्येंद्र जैन जी के नेतृत्व में, कि हर मेहनतकश इंसान को, हर ईमानदार इंसान को उसका पूरा हक और पूरा अधिकार मिलना चाहिए, पूरा मालिकाना मिलना चाहिए। मैं आपसे बता रहा था कि दिल्ली के अंदर वेतन बढ़ाए गए, दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेहनताना बढ़ाया गया, दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर की सैलरी को डबल किया गया, और अब आपकी बारी आई तो आपकी मांग को भी जायज मानते हुए आपकी बढ़ाई गई। लेकिन हमारे रास्ते में, इस सरकार के रास्ते में बड़े बड़े रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये मांग सरकार आपकी तुरंत मान ली, लेकिन हो सकता है इसके लिए और भी संघर्ष करना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप एक नोबल प्रोफेशन में हैं, आप बहुत सेवा करते हैं, तो उस सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आप, मैं विदेशों में बताता हूँ उनका क्या तरीका है अपनी मांगे मनवाने का। वो काम बंद नहीं करते, बल्कि काम को दुगना मांगों को मनवाने के। क्योंकि हिंदुस्तान में उसमें टाइम लगेगा इन सब चीजों को आने में, लेकिन मैं समझता हूँ आप दिल से काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, तो आपका जो सेवा भाव का प्रोफेशन है आप उसको जारी रखेंगे और हम आपके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चाहे हमारी सरकार का कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो सदा आपके साथ रहेंगे और आपको आपका पूरा हक दिलाकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इतनी बड़ी कमांडो साहब के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए, धन्यवाद हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब का, मैं आपका भी धन्यवाद इस मौके पर करना चाहता हूँ कि आप भी दिल्ली की और दिल्ली के मरीजों की निरंतर सेवा कर रहे हैं, तो हम भी सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर। एक सच्चे दिल का इंसान, नेक इंसान दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, ये दिल्ली के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज लोगों को पता चल रहा है किस प्रकार से इतनी अड़चने होने के बावजूद भी दिल्ली की सरकार निरंतर संघर्ष करते हुए काम कर रही है। अभी कमांडो साहब ने बताया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली पानी की बात हो या कोई और भी बात हो, उसके लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है। और आप सब जितने भी सरकार के तहत कर्मचारी हैं, वो सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो हम आपके हकों का ध्यान रखें, ये हमारा कर्तव्य बनता है और उसी पर, उसी लाइन पर चलते हुए हम काम कर रहे हैं। मेरा आप सबको आपकी सेवाओं के लिए और आपकी एकता के लिए, जो आपने इन दिनों एकता प्रदर्शित की, कहते एकता में बड़ा बल होता है, अगर हम बिखरते रहेंगे तो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि हम ये भी नहीं कहते
कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दें। हम ये कहते हैं जो काम करता है, जो दिल्ली की जनता के हितों का ख्याल करता है, जो अपने कर्मचारियों का ख्याल करता है, जो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल करता है, आप उसका साथ दें। हर एक आदमी को अरविंद जी स्वयं कहते स्वार्थी बनना चाहिए। तो जो आपके काम करे, जो आपके हितों का, और हम तो आम आदमी हैं, आप जैसे आदमी हैं। हम ना तो कोई बड़े घरों से आए, ना राजनीतिक घरानों से आए, हमारे तो मंत्री विधायक सारे के सारे आम आदमी हैं। आप ही की तरह हम भी सड़कों पर बैठते हैं, आप ही की तरह हम भी गलियों में घूम घूम कर काम करते हैं। आप स्वास्थ्य का काम करते हैं, हम सारे क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम तो आप ही की तरह आम आदमी है, और ये सरकार आम आदमी की सरकार है, जो निरंतर आम आदमी की सेवा का और उसकी सुरक्षा का और उसके रोजगार का पूरा ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शांति बनाए रखी। आपके चेहरों पर ये खुशी देख करके ये सरकार को सब कुछ ये कहना चाहूंगा, दिल्ली सरकार बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया, मतलब बात आगे की पीछे की जो सोच समझ के बताने की, मेरे साथ की विधानसभा पास नहीं होता है और मुझे कुछ पूछना होता है तो बहुत हमारा दादा पता हुआ है, मेरे माता मेरे पिता दादा तो उनसे पूछता हूँ, इनको पूरा ध्यान है सब कुछ की बातें का। आज सारे खुश हो, कल परसों कल दुखी थी एक महिला आई है, आज कल एक दुखी थी, कहाँ है सामने ये नीचे सामने ये, आप तो कम से कम ज्यादा दुखी थी आज, हाँ और आज खुश है, आज खुश है। कौन से गाँव इनका